जब स्थापना की गई थी तब बहुत सारे कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया, जिसमें नशा मुक्ति अभियान था जिसके लिए बहुत बड़े आंदोलन किए गए, सफाई अभियान था जिसके लिए कदम मित्र खुद हो करके उन्होंने सफाई की, वोटों की जाने वाली सफाई निवासों में नाले में उतर के वाली सफाई सब ने काफ़ी विवरण दिए थे उसके बारे में उस समय। स्त्री पुरुष की बराबरी का समाज जिसको कदम व्यवस्था बड़े ध्यान से कर रही है, बड़े समर्पण के साथ कर रही है, और सहभागिता भी महिलाओं की सहभागिता भी बराबरी से मिल रही है। फिर शिक्षा के लिए एक कदम नेग शिक्षा का अभियान शुरू किया, जिससे ऐसे विद्यार्थियों को जो अपने मंच बहुत कर सकते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई, लोगों ने पैसे दिए। एक हम लोगों ने यहाँ पर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक गोल्ड का ट्री गार्ड लगाया, गोल्डन नहीं है, गोल्ड का ट्री गार्ड, प्योर गोल्ड का ट्री गार्ड लगाया है, और ये सारे सदस्यों ने आपस में पैसे लेकर के लगाया है, सब लेकर के लगाया है। कोई ये नहीं है कि हम लोगों ने कहीं सरकार से पैसे ले लिए हो, किसी ने 10 ग्राम सोना दिया, किसी ने 5 ग्राम, किसी ने 1 ग्राम भी दिया है, ये इसकी खासियत है। जिसकी ज़्यादा सामर्थ्य उसने ज़्यादा भी दिया है। उसमें हरिभटनागर साहब का बहुत बड़ा रोल है, और भी कई लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा रोल रहे हैं, लेकिन हमारे लोग भी वैसे मिलते चले जा रहे हैं। वैसे बहुत सारे अभियान हैं जिनको लेकर के चल रहे हैं, लेकिन 4 जुलाई 2017 एक बहुत बड़ा टर्न साबित हुआ कदम के लिए, क्योंकि कदम ने एक निर्णय लिया कि हम रोज पौधारोपण करके लोगों का जन्मदिन मनाएंगे। ये इस विश्वास के साथ किया गया कि यदि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में सब लोग अपना जन्मदिन एक दिन पौधा लगा करके मनाने लगेंगे, जैसे केक काट करके मनाते हैं, यदि ऐसा हो गया तो सोचिए क्या होगा। जिस शांति, विश्व शांति की हम कामना कर रहे हैं वो फलीभूत हो जाएगी, क्योंकि जो लोग भी पौधा लगाते हैं, मैं नहीं समझता कि वो पेड़ काट सकते हैं, काट सकते हैं क्या? जिसने खुद अपने हाथ से लगाया वो नहीं काट सकता, और जो पेड़ नहीं काट सकता वो किसी इंसान को कैसे काट सकता है। तो ये जो हथियार बेचने का धंधा ये बंद हो जाएगा, और हथियार बेचने का धंधा बंद हो गया तो फिर युद्ध कैसे होंगे? तो जितने हज़ार सर उस दिन बता रहे थे हम लोगों को कि कितने कितने करोड़ रुपए का बजट है सर इस बार, 1,82,000 करोड़ का बजट हिंदुस्तान ने रखा है। बांग्लादेश का बजट उनके सबसे ज़्यादा होता है, जबकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमारे यहाँ सब लोग तक शिक्षा नहीं पहुँच पाई है, लोग भुखमरी की स्थिति में, भूख से लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद हमको विश्व माने युद्ध के लिए इतना रक्षा के लिए इतना बड़ा बजट रखना पड़ता है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कदम का यदि अभियान यदि सब लोगों तक पहुँच गया, सबके मन में पहुँच गया, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है दुनिया का वो मीट आउट हो सकता है। इसके लिए इसको लोगों के मन, केवल हम पौधा नहीं लगाना चाहते केवल पर्यावरण के लिए पौधा लगाया जाए, हम ये चाहते हैं कि बच्चे सबके मन में ये जाए, ये बात जाए, सबके मन में पौधा लगे, और इसके लिए कदम का एक बहुत अहम अभियान है, और वो है बीजारोपण अभियान। बीजारोपण अभियान में हम बच्चों को स्कूलों में जा करके बीज बांटते हैं, करीब 80,000 से 1,00,000 बच्चों को हम जबलपुर में बीज बांटते हैं, और फिर उन बच्चों को कहते हैं कि आप उन पौधों को विकसित करके स्टेडियम में लेकर के आइए। हर साल 25 दिसंबर को कार्यक्रम होता था, इस बार हमने 8 जनवरी को किया है, ये इस बार 6वां कार्यक्रम था। तो धीरे धीरे करके ये अभियान भी बढ़ रहा है। इस साल का बहुत बड़ा आयोजन, इस साल की बहुत बड़ी प्लानिंग है, और वो प्लानिंग ये है कि हिंदुस्तान की जितनी भी प्रदेश, हिंदुस्तान के जितने प्रदेश हैं उनकी राजधानियों में जाकर हम 10,000 बच्चों को बीज बांटेंगे, वहाँ से 40 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर भी एक कार्यक्रम करेंगे बड़ा वाला, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जहाँ पर हम मोदी साहब को भी बुलाना चाह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय को भी बुलाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं उनके पास समय रहता है, हिंदुस्तान में रहते आएंगे तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण हस्ती जरूर शामिल होगी, लेकिन किसी महत्वपूर्ण हस्ती का शामिल होना उतनी बड़ी बात नहीं, वो तो हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि ये मैसेज ज़्यादा जल्दी ज़्यादा तेजी से दुनिया में पहुँचे, है ना, उसके लिए हम किसी महत्वपूर्ण हस्ती को बुलाना चाहते हैं। अदरवाइज ये कार्यक्रम तो शांति के साथ चल ही रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, अब लोगों के मन में घर कर गया है, लेकिन यह हमारे कार्यक्रम की चरम परिणति नहीं होगी। उस दिन हमारे कार्यक्रम को हम उसके बाद विश्वव्यापी ले जाना चाहते हैं, 50 देशों को हमने सेलेक्ट किया है, उन 50 देशों में जाकर ये बीज बांटेंगे, वहाँ के बच्चों को साथ लेंगे, और 6,000वां पौधा, ये 5,000वां पौधा होगा जो दिल्ली में लगेगा 25 मार्च 2018 को, और 19 दिसंबर 2019 को हम 6,000वां पौधा लगाएंगे 19 दिसंबर 2020 करेक्शन करने के लिए धन्यवाद, ये 19 और 20 का चक्कर बड़ा बुरा है। 19 दिसंबर 2020 को हम यूएन ऑफिस में 6,000वां पौधा लगाएंगे, और वहाँ पर जाकर के सारे बच्चे, विश्व के सारे बच्चे जाकर के मैसेज देंगे पूरी दुनिया को कि जैसी दुनिया आपने बनाई है वो दुनिया हमको स्वीकार नहीं है, हम इससे बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं, इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए। इसके अलावा
अभी एक और अभियान है जो कदम ने चला, तो कदम बहुत दिनों से रहा है लेकिन अभी इस साल से बहुत गति पकड़ रहा है, और वो अभियान है अंश रोपण अभियान। तो हमारे जो भी परिजन, जो हमारे स्नेहीजन विदा हो जाते हैं, सामान्यतः हम धार्मिक कर्मकांड तो करते ही करते हैं, उससे हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ उनकी राख लेकर के, उनके अंश को प्राप्त करके, और जो सुपुर्द खाक करते हैं वहाँ पर भी लगाते हैं पौधा, आपने बताया उस दिन, हम चाहते हैं वहाँ से भी थोड़ी सी मिट्टी ली जाए और अपने आंगन में या जहाँ पे भी आपको प्रिय जगह हो वहाँ जा करके उस मिट्टी में कुछ जगह उसको मिला करके, उस मिट्टी में उस राख को मिला करके, उस व्यक्ति के परिजन के अंश को मिला करके हम एक पौधा लगाए वहाँ पर, और अपने परिजन के उस अंश से पैदा हुए बड़े हुए वृक्ष की छाँव में हम उनकी स्मृति को दीर्घ काल तक जीवित रख सकें, अपने बाद तक भी कुछ हमारे बाद तक भी जीवित रहेगी, और ये यदि परंपरा बन गई तो लोगों का जो प्यार है पर्यावरण के प्रति वो बढ़ता जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इस अभियान की शुरुआत करने वाले व्यक्ति जो कि जबलपुर से ही हैं, जबलपुर को ये सौभाग्य मिला, योगेश गनोरे जी उनके साथ में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत गौरवान्वित है कि वो आज हमारे बीच में हैं। आने वाली पीढ़ियों को शायद इसका फायदा नहीं मिलेगा, वो इनका नाम ही ले पाएंगे, इनकी फोटो ही देख पाएंगे गांधी जी की तरह, लेकिन विश्व में इतना बड़ा अभियान चलाने वाला व्यक्ति हमारे बीच में है जिसने इसकी बीज का बीजारोपण किया था, हम लोग उनके लिए जोरदार ताली बजाना चाहेंगे। और ये अभियान एक दिन पूरी दुनिया में जन जन तक पहुँचे, हर व्यक्ति अपना जन्मदिन पौधा रोक के मनाए, उनमें शांति की स्थापना हो, इस कामना के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं कदम कर। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, जो हम लोग तेरासी वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार प्रोफेसर हरि भटनागर, उन्होंने सबसे पहले नाम लिखा कि मैं पूरा चलूंगा साथ। मैंने कहा आपके आशीर्वाद के बगैर हम लोग कैसे चल सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। -2 और लगभग 2 या 4 डिग्री टेम्परेचर था पचमणी में, दो डिग्री था उस समय, -2 था, -4 तो जब अपन चल रहे थे तब, उस समय हम लोगों ने मना किया था कि आप मत चलिए।